सो दोस्तों आप देखिए, ये है फिनिश प्रोडक्ट। ये हमने अपने जो हमने अपने मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर से लैपटॉप स्क्रीन कट किया। ये नॉर्मल टी शर्ट, विनाइल, कार्ड स्टॉक, फुल कट, हाफ कट, एवरीथिंग ये करता है। और इसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसमें आप लेदर, रेक्सिन, फ्लोक फैब्रिक और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कट कर सकते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं राजेश कुमार गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर, एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ, अपने ऐप के फीचर्स के साथ, अपने मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप वर्जन के साथ और कई सारी जानकारी के साथ और बहुत अच्छी अवेयरनेस के साथ भी। मैं अपने सारे व्यूअर्स से आज फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको कभी किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई भी सेलर सप्लायर मार्केट में झूठी बातें फैला रहा है कि उनके सॉफ्टवेयर प्लॉटर में कुछ भी ऐसी चीज है, तो आपको कहीं से भी शक करने की, डाउट करने की कोई चांसेस नहीं बनेगी अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे बिना स्किप किए हुए। ध्यान से सुनिएगा, बिना स्किप किए हुए अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आप हमसे पूछेंगे हमारे प्लॉटर सॉफ्टवेयर में क्या फीचर है, ना आप किसी दूसरे सप्लायर से पूछेंगे कि उनके प्लॉटर सॉफ्टवेयर में क्या फीचर्स है। आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जानकारी इस वीडियो को देख करके लें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो है कैमियो 4। हमने आपको पहले भी बताया होगा कि हमारे पास सिलहौते की एक पोर्टेड 3 प्लॉटर्स भी है जो कि 8 इंच में है। हमने लास्ट वीडियो में इसका दिखाया था फीचर्स आपको और आपने देखा होगा उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से हमारा ऐप वर्क कर रहा था। बट उसमें आप लैपटॉप की स्क्रीन नहीं कट कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ 8 इंच का है। लेकिन हमारे इस दूसरे प्लॉटर में जो कि सेम कंपनी का बड़ा वर्जन है, कैमियो 4 के बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में बहुत सक्सेसफुल लॉन्च किया गया है। सो आज आपको मैं इसी प्लॉटर के सारे फीचर्स, इसमें अपने मोबाइल ऐप, अपने मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप वर्जन ये सब चला के मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये वर्क करता है। ये कैमियो 4 12 इंच का प्लॉटर है और इसमें आप मोबाइल स्क्रीन, टैब, मोबाइल चार्जर्स, एयरपॉड्स, गेमिंग कंसोल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और उसके साथ में लैपटॉप की स्क्रीन भी कट कर सकते हैं क्योंकि इसके वेट ज़्यादा है। सो आप इसमें लैपटॉप की स्क्रीन भी कट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, कैमियो 4 एक ऐसा प्लॉटर नहीं है कि सिर्फ आप मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर में जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताया सिर्फ वही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लॉटर हमारा एक नॉर्मल प्लॉटर की तरह भी काम करता है, जैसे कि ग्राफटेक, मिमाकी, रोलैंड जितने भी ब्रांडेड प्लॉटर्स हैं उसी तरीके से ये भी काम करता है। और इसमें प्रिंट एंड कट का फीचर्स भी होता है। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी स्टिकर, कार्ड स्टॉक, विनाइल, हाफ कट, फुल कट, कुछ भी आप कटिंग करना चाहते हैं, ये सारा फीचर्स आपको इस प्लॉटर में मिलेगा। प्रिंट एंड कट, जिसे हम काउंटर कटिंग भी कहते हैं, उस फीचर्स के साथ मिलेगा। सो आप इस प्लॉटर में 2-in-1 बिजनेस कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारा वो ऐप ये है, आप देख सकते हैं इसमें सारे मॉडल्स, ऑलमोस्ट सभी ये मॉडल्स इसमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एप्पल का एक कट करके अभी दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें सारे मोबाइल्स हैं, इसके अलावा इसमें आईपैड्स भी हैं, लैपटॉप भी है, मोबाइल के चार्जर्स भी हैं, स्मार्ट वॉचेस भी हैं। इसी तरीके से आप किसी भी ब्रांड में आप जाते हैं तो उसके अंदर उसके मोबाइल, लैपटॉप या जो भी उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब कुछ हमारे ऐप में आपको मिलेगा। सो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे यहाँ से वर्क करता है और आप इसका पूरा डेमो अभी देखेंगे। सो दोस्तों, ये ऐप में मैंने एप्पल का एक मॉडल ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं iPhone 11। मैं अभी स्क्रीन कटिंग करूंगा और इसके ऊपर पेस्टिंग करूंगा। आप देख सकते हैं डेमो अब ये कैसे वर्क करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप कनेक्टेड है ऑलरेडी ब्लूटूथ के साथ। ये ब्लूटूथ का साइन आप देख रहे हैं, ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स ब्लूटूथ ऑन है और हमारे मोबाइल से कनेक्टेड भी है। आप देख सकते हैं मैंने कटिंग पे यहाँ कमांड दे दिया और अब ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन बिल्कुल पूरी तरीके से कट चुकी है। अब हम आपको इसकी वेडिंग करते हुए भी दिखाएंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी हमने वेडिंग कर दी है और ये बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हुई है। आप बिल्कुल इसके सर्कल को जूम करके भी देख सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी इसमें मिस्टेक नहीं है। एप्पल का लोगो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल। अब मैं आपको इसको मोबाइल पे पेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देखिए ये है फिनिश प्रोडक्ट। ये हमने अपने मोबाइल ऐप से कटिंग करके ARC साइन के मोबाइल ऐप से कटिंग करते हुए कैमियो 4 में, और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो दोस्तों आपने देखा कि एक मोबाइल स्क्रीन हमने अपने ऐप के थ्रू इस प्लॉटर में कैसे कट किया, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लैपटॉप की कटिंग का, जो मैंने आपको बताया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि हमारे 12 इंच के प्लॉटर में इसी ऐप के थ्रू लैपटॉप की स्क्रीन भी कट कर सकते हैं। ये आप लैपटॉप को देख रहे हैं डिजाइन, और ये मैंने कटिंग पे क्लिक किया और ये प्लॉटर कमांड लेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसकी टाइमिंग पे गौर करिए, कितने कम समय में इसने पूरे लैपटॉप के डिज़ाइन को विथ लोगो कटिंग कर दिया, जो कि शायद जितने भी लोग क्लेम करते हैं उनके प्लॉटर्स बहुत अच्छे हैं, इतनी जल्दी कटिंग नहीं होती है, ये पूरी गारंटी है। तो दोस्तों आप देखिए ये आफ्टर वेडिंग रिजल्ट आपके सामने है, लोगो के साथ में इतनी फिनिशिंग है। अब मैं आपको इसको लैपटॉप के ऊपर पेस्ट करके भी फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊंगा। तो दोस्तों अब आप देखिए ये है फाइनल प्रोडक्ट, जो हमने अपने मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर से लैपटॉप की स्क्रीन कट किया, और फिनिश प्रोडक्ट्स आपके सामने है। इसकी फिनिशिंग, इसकी क्वालिटी आप सब कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने देखा हमारे ArcSign ऐप के थ्रू कैमियो 4 के प्लॉटर पे आपने कट करते हुए जो देखा मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप स्क्रीन, वो स्किन्स रेडीमेड स्किन्स थी, जिसका मतलब प्री प्रिंटेड, ये पहले से प्रिंट किया हुआ था और इसे हमने प्रिंट नहीं किया। सो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ऐप का जो नेचर है, ऐप का जो फीचर है, वो सिर्फ कट को सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ सेलर्स, कुछ ऐसे भी लोग हैं मार्केट में जो यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालते हैं और कहते हैं हमारे ऐप से आप प्रिंट एंड कट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अवेयरनेस आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे फिर से एक झूठी बात बताई जा रही है कि ऐप के थ्रू प्रिंट एंड कट कैसे कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी को समझने की बात है, मैं आपको भी बता रहा हूँ इसका रीजन क्या होगा, और जो ऐसे फेक वीडियो डालते हैं उनके लिए भी मैं टेक्नोलॉजी की एक टीचिंग दे रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे हाथ में आप ये जो दो स्किन्स देख रहे हैं, अब मैं आपको इस दोनों स्किन्स के डिफरेंस के बारे में भी समझाऊंगा। जब भी हम किसी भी स्किन्स को पर्सनलाइज करना चाहते हैं किसी भी फोटो के साथ, अपनी फोटो के साथ, कस्टमर की फोटो के साथ, या किसी भी प्रकार का आपका खुद का बनाया हुआ डिज़ाइन आप कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने ऐप के थ्रू या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आपको कमांड देना पड़ता है। जब भी आप प्रिंटर को कमांड देते हैं आपको एक काउंटर मार्क ऐसा बन के आता है, और अगर आपने ऐप के थ्रू या अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रिंटर को डायरेक्ट कमांड नहीं दिया तो ऐसा बन के आता है। इसमें कोई भी मार्किंग आप देख सकते हैं नहीं होता है, इसमें मार्किंग होता है क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये काउंटर मार्क आता है सॉफ्टवेयर के थ्रू हमने कमांड दिया तो ये आता है। अगर आप प्रिंट एंड कट करना चाहते हैं तो ये सबसे पहले इसका सेंसर जो है वो डिटेक्ट करेगा इस प्रकार के काउंटर मार्किंग को। जैसे ही हम इस स्किन को इस मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं ये काउंटर मार्किंग को सबसे पहले सेंस करता है। सेंस करते ही इसे पता चल जाता है कि इसे कहाँ कटिंग करनी है, और ये बिल्कुल एस टू एस कटिंग करके निकालता है, जिसमें आपको कभी भी कोई भी कमी नहीं दिखेगी, जैसे कि कैमरा लाइट या फिंगर सेंसर, कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इस तरह के स्किन्स को यूज़ किया तो डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ कि कहीं भी ये गलत काट सकता है, क्योंकि मशीन को नहीं पता है कि इसकी कटिंग किधर होनी है। और अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं, वो जुगाड़ हम उसे कहते हैं, स्केलिंग कर सकते हैं, मोबाइल को रख के स्केलिंग कर सकते हैं कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, और मैनुअली यहाँ लगा के कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि ये हो सकता है
एक बार में ही सही आ जाए या हो सकता है 10 बार में भी आपको सही रिजल्ट नहीं मिले, तो आप इसमें परेशान होंगे काम करने में। और इसमें आप एक बार में सही करेंगे, जो कि मैंने आपको काउंटर कट के साथ में दिखाया है। तो मैं आपको अब ये बताना चाहूँगा कि ये कैसे डिफरेंस आया। हमारे ऐप में, अगर आप हमारे ऐप में जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे सेल्फ कट का कमांड देने का ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे ऐप से प्रिंटर को कमांड देने का कोई ऑप्शन नहीं है। हम प्रिंटर को अपने ऐप के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये बात हम बता रहे हैं क्योंकि हम हमेशा सच कहते हैं, लेकिन ये बात वो लोग गलत बताते हैं जो कहते हैं कि उनके ऐप से प्रिंट एंड कट हो सकता है। और हम प्रिंटर को भी कमांड दे रहे हैं, वो दिखाते भी हैं इस वीडियो को कि हम प्रिंटर को अपने मोबाइल ऐप से कमांड दे रहे हैं, क्योंकि टोटली फेक है। और अगर ऐसा है तो आप जाइए और देखिए कि क्या उन्होंने मोबाइल ऐप जिसमें मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर है उसी से उन्होंने कमांड दिया। क्या उनके मोबाइल ऐप से कमांड देने के बाद ऐसी काउंटर मार्किंग आ रही है? नहीं आ रही है तो आप समझिए फेक है। आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि कैसे वो जी यहाँ भी झूठ बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे ऐप से आपको काउंटर मार्किंग नहीं आएगी। अब आते हैं कि ये काउंटर मार्किंग कैसे आया। सो हमारे पास एक दूसरा भी सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप वर्जन। हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो जाता है और इसमें वो सारे फीचर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। जैसे यहाँ पे हम एक टेम्पलेट को यूज़ करना चाहते हैं और मैं आपको यहाँ वर्किंग दिखाऊंगा कि कैसे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क करता है आपके वन शॉट फिनिश प्रोडक्ट देने के लिए। यहाँ पे हमने टेम्पलेट ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम फोटो अपलोड करेंगे। जिसकी भी फोटो बनानी है हमें, वो फोटो हमने देखिए यहाँ पे फोटो इम्पोर्ट कर लिया है और अब इसकी सेटिंग करेंगे। सेटिंग करते वक्त आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं कि कैमरे की जो कट है या लाइट्स है या स्पीकर है या फिंगर सेंसर है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम फेस की एडजस्टमेंट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम बिल्कुल देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है, जो कि ऐप में शायद आपको मिलता हो या नहीं मिलता हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं लाइव आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ फेक नहीं है। आप देखिए ये फोटो रेडी हो गई है, हमने सब कुछ सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम जब प्रिंट का कमांड देते हैं, तो हमारा लैपटॉप प्रिंटर को कमांड दे रहा है वाईफाई और ब्लूटूथ के थ्रू नहीं। ये जो कमांड जा रहा है ये केबल के थ्रू जा रहा है, जो कि आप नॉर्मल सारे काम अपने कंप्यूटर के थ्रू प्रिंटर से करते हैं। ये कमांड जा रहा है और प्रिंटआउट निकल रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रिंट आ गया है हमारे प्रिंटर से। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से हमने प्रिंटर को कमांड दिया है, जो कि किसी ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू हमने कमांड नहीं दिया, बिकॉज ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल से प्रिंटर को कमांड दे सके। इम्पॉसिबल। अब अगर कोई कहेंगे इम्पॉसिबल भी कहता है, आई एम पॉसिबल, तो इस पॉसिबिलिटीज को करके दिखा दें कि अपने मोबाइल ऐप से वो प्रिंटर को कमांड दे करके दिखा दें। ध्यान रखिएगा, अपने मोबाइल ऐप से, प्रिंटर के मोबाइल ऐप से नहीं, अपने मोबाइल ऐप से प्रिंट का कमांड दे करके दिखा दें और ये काउंटर मार्क निकाल के दिखा दें। सो जो इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम सिर्फ सच कहते हैं, अपनी चीज़ों को बेचने के लिए झूठ नहीं कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि हमने अपने कंप्यूटर से प्रिंटर को कमांड दिया केबल के थ्रू। इस केबल के थ्रू प्रिंटर का कमांड आया और जब प्रिंट आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काउंटर मार्किंग भी आई है। अब हमारा प्लॉटर वही सेंस करेगा। मैं आपको अभी इसमें प्लॉटर में कट करते हुए भी दिखाऊंगा डेमो। इसे प्लॉटर में इंसर्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस को सबसे पहले डिटेक्ट करता है ये मशीन, उसके बाद ये कटिंग शुरू करता है। मैं आपको अभी डेमो दिखाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ देखिए, मैंने वो स्किन्स जिसपे प्लस माइनस की कंट्रोल मार्किंग है वो मैंने एलिमिनेशन करके मैट के थ्रू इस मशीन में यहाँ लगा दिया है। अब मैं अपने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से कट का कमांड दूंगा। आप देखिए यहाँ पे। सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको कट का कमांड देते हुए भी दिखाऊंगा कि कैसे हम यहाँ से कट का कमांड दे रहे हैं। ये हमने कैमियो 4 प्लॉटर को सेलेक्ट कर लिया अपने डिवाइस के अंदर और फिर अब यहाँ से हम कट का कमांड देने जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारा प्लॉटर ये वर्किंग स्टार्ट कर चुका है। सबसे पहले इसने सेंस किया प्लस और माइनस, जो कि काउंटर मार्किंग में बता रहा था, और अब यहाँ से ये कटिंग शुरू कर चुका है। सो दोस्तों ये कटिंग हो चुकी है, बिल्कुल काउंटर मार्किंग के थ्रू कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको पिल ऑफ करके। सो
सो दोस्तों ये आप देख लीजिए, आफ्टर वेडिंग मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल कैमरे की कटिंग, फेस वगैरह इक्वली एवरीथिंग करेक्ट पोजीशन पे बिल्कुल कटिंग हुई है। और मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने किसी भी 10 बार या 20 बार में कटिंग नहीं किया, ये सिर्फ एक बार में हुआ, पहली बार में ही ये बिल्कुल फिनिश हुआ है। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि प्रिंट एंड कट का फंक्शन होता क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी होती क्या है जो एक बार में आप निकालेंगे। इस मशीन को बिल्कुल नहीं पता है कि अगर आप बिना काउंटर मार्क के प्रिंटिंग को लेते हैं तो कैसे ये कटिंग करेगा, लेकिन जब आप काउंटर मार्किंग के साथ आते हैं तो इस प्लॉटर को पता होता है कहां कटिंग करनी होती है। इसी टेक्नोलॉजी को हम अवेयर करना चाह रहे थे जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर कोई भी आपको यह क्लेम करता है कि हमारे ऐप के थ्रू आप प्रिंट एंड कट कर सकते हैं, इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि उनके ऐप से, थर्ड पार्टी ऐप से आप प्रिंटर को कमांड नहीं दे सकते। अगर आप प्रिंटर को कमांड नहीं दे सकते तो काउंटर मार्किंग नहीं आएगी, अगर काउंटर मार्किंग नहीं आएगी तो आपका प्लॉटर सेंस नहीं कर पाएगा और वो कट एग्जैक्टली शेप में नहीं कर पाएगा। सो दोस्तों अब आप ये स्क्रीन देखिए, मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाने वाला हूँ कंट्रोल मार्किंग के साथ कटिंग, जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से ही पॉसिबल है, और मोबाइल ऐप से जो क्लेम करते हैं उसके लिए भी मैं आपको एक डेमो अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये हमने मैनुअली नॉर्मल प्रिंट आउट अपने फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ पे बनाए हुए डिजाइन से प्रिंट किया है और उसको एलिमिनेशन किया। अब मैं इसको कटिंग करके आपको दिखाऊंगा और आपको डिफरेंस बताऊंगा कि क्या होता है अगर हम बिना कंट्रोल मार्किंग की कटिंग करते हैं और इसे मैं ऐप से कमांड दूंगा। तो दोस्तों आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने वो स्किन लगाई है जिसमें काउंटर मार्किंग नहीं है और ये प्लॉटर में मैंने सेट कर दिया। अब मैं इसे कमांड दूंगा ऐप के थ्रू। पहले आपने देखा मैंने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के थ्रू कमांड दिया था कट के लिए, और इस बार मैं ऐप के थ्रू कट का कमांड दे रहा हूँ। ये आप देखिए, ये वर्किंग शुरू हो गई है और ये कटिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि हमने ये कट फिनिश कर लिया है। अब मैं इसे बाहर निकालूंगा, आप देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी वेडिंग करके दिखाऊंगा, इसका रिजल्ट है। दोस्तों एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऐसा नहीं कि मैंने दो बार, तीन बार, दस बार, बीस बार किया, नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट आपको काउंटर कटिंग में भी दिखाया, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको नॉन काउंटर कटिंग में भी दिखा रहा हूँ। इसकी वेडिंग करके मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने वेडिंग कर दिया और वेडिंग के बाद का रिजल्ट आप देखें, ये है नॉन काउंटर कटिंग मोबाइल ऐप से कट करने का रिजल्ट। प्रिंट मैंने मोबाइल ऐप से नहीं दिया क्योंकि दे ही नहीं सकते, कट मैं मोबाइल ऐप से कर सकता हूँ जो मैंने किया, और ये है सच, ये है मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशन है, ये है उसका सच, जो आपको दूसरे लोग झूठ बता के प्रिंट एंड कट का क्लेम करते हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन पे ही सॉफ्टवेयर पे पॉसिबल है। अगर उनके पास डेस्कटॉप वर्जन का सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको दिखाया वो है तो उनके सॉफ्टवेयर में भी ये पॉसिबिलिटीज होगी। आप दोनों रिजल्ट को कंपेयर करके देख लें, इसकी फिनिशिंग विद काउंटर कटिंग कितनी अच्छी आई है, इसकी फिनिशिंग विदाउट काउंटर कटिंग कैसे उसके फेस पे कटिंग चली गई है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं आपको कहना चाहूँगा ये भी आप सही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसे सही नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको जो बताया था ये पहली बार में सही होगा या 10वीं बार में या 20वीं बार में ये मुझे नहीं पता। आप अपने स्किन्स की कॉस्ट लगाते जाइए, कटिंग करते चलिए, खराब होता जाएगा, पैसे आपके बर्बाद होते जाएंगे, और कभी ना कभी, मुझे नहीं पता बट कभी ना कभी ये आपको सही रिजल्ट जरूर मिलेगा। सो टाइम और मेहनत, पैसा सब आप बर्बाद करना चाहते हैं या वन शॉट में प्रिंट एंड कट जो एक्चुअल में होता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के साथ वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार आखिरी में बताना चाहूंगा कि मोबाइल ऐप से आप रेडीमेड स्किन्स जितनी चाहे उतनी कटिंग कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई जरूरत नहीं है कि कहाँ कटिंग करनी है, आप कहीं भी सेंटर में डाल के कटिंग कर लीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, इस तरीके से कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं से भी आप कटिंग कर लीजिए, रेडीमेड स्किन्स आप देख रहे हैं कहीं से भी आप कटिंग कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को कस्टमाइज़ करना है, किसी स्किन्स को कस्टमाइज डिजाइन के साथ बनाना है, तो आपको प्रिंट एंड कट सॉफ्टवेयर का सहारा लेना पड़ेगा, और वो सिर्फ डेस्कटॉप वर्जन में होता है, ऐप वर्जन में नहीं होता है। सो बी अवेयर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सेलर्स जो आपको बरगलाते हैं, झूठ बोलते हैं कि उनकी ऐप से प्रिंट एंड कट का फंक्शन है और ऐसा काम हो सकता है, बिल्कुल झूठ गलत है, मैंने आपको प्रूफ दे दिया।
इस पर ट्रस्ट करें। सो दोस्तों, एक और क्वेश्चन हमेशा हमें मिलती रहती है कि क्या हमारे प्लॉटर में 9H कट जाएगा। मैं फिर से इस बात को काटना चाहूंगा जो दूसरे सेलर क्लेम कर रहे हैं कि 9H कट जाएगा। 9H कभी भी किसी प्लॉटर में नहीं कट सकता है। आप दुनिया के किसी भी प्लॉटर, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इंडिया में हूँ लेकिन आप चाइना में जहाँ पर ये मशीनें बनती हैं, आप वहाँ किसी भी सेलर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी सेलर, बड़े से बड़े प्लॉटर, छोटे से छोटे प्लॉटर मैन्युफैक्चरर कभी भी आपको कहेंगे 9H नहीं कट सकता है किसी भी प्लॉटर में। लेकिन यहाँ पर एक बंदा जो चाइना से प्लॉटर लेकर के आ रहा है वो क्लेम करता है कि हमारे प्लॉटर में 9H कट जाता है। इम्पॉसिबल। कैसे इम्पॉसिबल, मैं आपको वो भी बताता हूँ। अगर वो ये कहते हैं कि मार्केट की 9H हमारे मशीन में नहीं कटेगी, हमारी 9H ही हमारी मशीन में कटेगी, सो आपको मैं बताना चाहूँगा क्लियरली वो खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये 9H नहीं है। अगर 9H कट रहा है तो आप मार्केट में चलने वाले किसी भी 9H को काटिए, कहीं से भी आप 9H खरीद लीजिए, हमारी मशीन लेके जाइए, हमारा सॉफ्टवेयर लेकर के जाइए, कहीं से भी 9H खरीदिए और कट कर लीजिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हमारा ही 9H कटेगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं भली भांति कि वो 9H नहीं दे रहे हैं, वो एक प्लास्टिक की शीट दे रहे हैं जो कह रहे हैं कि कटिंग हो जाएगा, लेकिन आप मार्केट से लेंगे तो नहीं होगा, तो 9H नहीं है। अगर हमारे प्लॉटर में सच में 9H कटेगा तो हम तो कहेंगे आप हमसे प्लॉटर सॉफ्टवेयर ले जाइए और कहीं से भी 9H कटिए। जैसे कि इस तरह के स्किन्स, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे प्लॉटर में जो स्किन्स कट रहा है बस आपको यही लेना पड़ेगा, आप कहीं से भी स्किन्स लीजिए, किसी भी प्रकार के विनाइल लीजिए, किसी भी प्रकार के आप स्क्रीन प्रोटेक्टर लीजिए, कहीं से भी लीजिए, आप कट कर सकते हैं। क्योंकि प्लॉटर का नेचर है इस तरह के मटेरियल को कटिंग करना, सॉफ्टवेयर का नेचर है इस तरह के प्रोडक्ट को सपोर्ट करना। लेकिन जो सपोर्ट कर ही नहीं सकता है 9H, वो मैं बिल्कुल मना करूँगा। और ऐसा नहीं कि मेरा ही प्रोडक्ट मेरी मशीन में या मेरे सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करेगा और कटिंग होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप कहीं से भी प्रोडक्ट लें, जो इस मशीन का नेचर है कटिंग करने का, वो ये मशीन अपने आप करेगी। और रही बात 9H जो वो दिखा रहे हैं, बस कुछ समय आप इंतजार करिए, वो 9H हम भी आपको लाकर के दिखाएंगे, उसकी असलियत हम भी आपको लाकर के कुछ ही वक्त में दिखाएंगे कि ये 9H कौन सी है जो इस तरह के प्लॉटर में कटिंग कर रहे हैं। जो इम्पॉसिबल है वो हम भी आपको लॉन्च करके दिखाएंगे कि वो 9H नहीं है। मैं ला करके जरूर दिखाऊंगा, बट हम उसे सेल नहीं करेंगे 9H बोल के। अगर हम उसे सेल भी करेंगे तो उसके उसके प्रोडक्ट के नाम के साथ ही करेंगे, 9H बोल के, झूठ बोल के हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा ये प्लॉटर सिर्फ मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बना हुआ है, ये प्लॉटर मल्टीपर्पज़ के लिए बना हुआ है। इसकी वर्किंग को आपको देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे रहे हैं जो सीधे आप इसकी वेबसाइट पे, इसके चैनल पे जा करके इनकी सारी वर्किंग देख सकते हैं। ये नॉर्मल टी शर्ट, विनाइल, कार्ड स्टॉक, फुल कट, हाफ कट, एवरीथिंग ये करता है। और इसकी सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं, इसमें आप लेदर, रेक्सिन, फ्लोक फैब्रिक और भी बहुत सारी चीज़ें आप इसमें कट कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के पेपर भी आप कट कर सकते हैं। इसमें आप प्रिंट एंड कट का भी फंक्शन है, सो आप नॉर्मल प्रिंट एंड कट भी कर सकते हैं। जैसे आपने मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर में प्रिंट एंड कट देखा, वैसे इसमें आप नॉर्मल वर्क का भी प्रिंट एंड कट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्लॉटर में मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोबाइल स्क्रीन सॉफ्टवेयर का ऐप और डेस्कटॉप वर्जन हमने आपको दिखाया, इसके अलावा जो आप नॉर्मल काम करना चाहते हैं उसके लिए भी सॉफ्टवेयर इसी प्लॉटर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। जो डेस्कटॉप पे आपका इंस्टॉल होता है उसे कहते हैं सिलहोते स्टूडियो, और जो मोबाइल ऐप में आप इंस्टॉल करते हैं उसे कहते हैं सिलहोते गो। ये दोनों लाइफ टाइम फ्री हैं, आप इसका इस्तेमाल पूरी जिंदगी भर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके नॉर्मल वर्क को सपोर्ट करता है, विनाइल कटिंग, कार्ड स्टॉक कटिंग। लेकिन अगर आप मोबाइल स्क्रीन प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं तो वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट है, जो कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप वर्जन, चॉइस आपकी होगी। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, दोनों का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया, आपको इनमें से जो भी कंफर्टेबल लगता है। आपको ये देखना है क्या आपको लैपटॉप की कटिंग करनी है, आपको ये देखना है कि क्या आपको प्रिंट एंड कट करना है, आपको ये देखना है कि नहीं मुझे सिर्फ रेडीमेड स्किन कट करनी है, तो आप ऐप के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कस्टमाइज डिज़ाइन भी कटिंग करनी है तो आप डेस्कटॉप वर्जन में आ सकते हैं। दोनों के प्राइस में बहुत ही मिनिमल फ़र्क है, बहुत ही छोटा सा फ़र्क है, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको अपनी तरफ से पूरी जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ भी जानकारी रह गई है जो आप जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें, हमसे डिस्कस करें, हम आपको सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। अब आता है अहम मुद्दा इसके प्राइस का, इसका प्राइस क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 12 इंच का प्लॉटर है कैमियो 4 सिलहोते ब्रांड, ना कि कोई चाइनीज़ लोकल ब्रांड प्लॉटर है जिसकी हम OEM करा करके इंडिया में लाते हैं, जिसका कोई ब्रांड ही नहीं है। अगर आप ऐसे प्लॉटर्स के बारे में जानना चाहेंगे तो इनका कोई ब्रांड होता ही नहीं है, अपने नाम पे मंगा के बेचते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, और सॉफ्टवेयर मेड इन इंडिया, हमारा बनाया हुआ ARC साइन, जो कि हमारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर होता है, इस सॉफ्टवेयर के साथ इस प्लॉटर को हमने कंपेटिबल किया है। आपको मैंने दो सॉफ्टवेयर बताया, एक मोबाइल ऐप और एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, दोनों के साथ का मैं आपको प्राइस बताऊंगा। 12 इंच का प्लॉटर मोबाइल ऐप के साथ जो हमारा प्राइस होगा वो है सिर्फ 32,000 रुपीज़। ध्यान से सुनिएगा, 32,000 रुपीज़ में आपको
12 इंच का कैमियो ब्रांडेड प्लॉटर और ARC साइन मोबाइल एप्लीकेशन मेड इन इंडिया सॉफ्टवेयर जो कि हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कंपैरिजन करना चाहूँगा। मार्केट में आपने देखा होगा कुछ और भी लोग इसे 12 इंच का प्लॉटर सेल करते हैं, उनके प्राइस पे आप गौर करिएगा। उनका प्राइस है 55,000, हो सकता है आपको 1-2,000 रुपये के डिस्काउंट दे दें, बट नॉर्मली उनका प्राइस जो हमें पता चलता है कस्टमर से व्यूअर से 55,000 रुपीज़ का। क्या फ़र्क है इसमें उसमें, मैं आपको बताता हूँ। वो चाइनीज प्लॉटर है, ये कैमियो ब्रांडेड प्लॉटर है, कंपैरिजन तो कर ही नहीं सकते हैं। वो अपने मुंह से कह सकते हैं कि कैमियो USA का ब्रांड है और ख़राब है, बट आप व्यूअर्स को बिल्कुल सच का बताया कि ये प्लॉटर क्या है, इस प्लॉटर की क्या खूबियाँ हैं, क्या कंपेयर कर सकते हैं उस चाइनीज प्लॉटर से जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, जिसको कोई नहीं जानता है। सो आप देख सकते हैं कि चाइनीज नॉन ब्रांडेड प्लॉटर जिसके कोई ब्रांड नहीं है, जिसकी कोई कंपनी नहीं है, अपने नाम से कोई भी ABCD रखवा के यहाँ ले आते हैं चाइनीज सॉफ्टवेयर के साथ में 55,000 का देते हैं। मैं आपको 32,000 में ब्रांडेड प्लॉटर ब्रांडेड सॉफ्टवेयर के साथ में देता हूँ। आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं मार्केट में। प्राइस क्यों कम देते हैं हम लोग, यहाँ कहते हैं कि हमारा माल नहीं बिकता तो हम प्राइस कम देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस कंपनी के साथ हमारा ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है और मिनिमम 4,000 पीसेस ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा नहीं कि हमारा माल नहीं बिकता, हम 4,000 पीसेस पर ईयर बेचते हैं इस ब्रांड को, तभी हमारे पास इस ब्रांड का इंडिया का ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, सिर्फ हम इस प्लॉटर को इंडिया में सेल कर सकते हैं। हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम बल्क में परचेस करते हैं। जब हम बल्क में परचेस करते हैं तो हमें सामने से प्राइस बहुत अच्छा आता है, सप्लायर से फैक्ट्री से प्राइस हमें बहुत अच्छा आता है और उस प्राइस का फ़ायदा हम आपको देते हैं। इसलिए ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में हम पूरे ईयर में डील करते हैं कि हमें सामने से बहुत अच्छा प्राइस मिलता है, इसका फ़ायदा हम देते हैं। रही बात मोबाइल ऐप की, हमारा खुद का बनाया हुआ है इसलिए हमें किसी को पे नहीं करना पड़ता है, हम किसी से परचेज नहीं करते हैं, हमारा खुद का है। सो हमारे लिए कॉस्ट तो कुछ भी रखना वाजिब है, हम कोई भी प्राइस रख सकते हैं क्योंकि हमारा खुद का है। अगर इनका खुद का होता तो ये भी 55,000 नहीं रखते, ये तो 30,000 रख देते, 25,000 रख देते। इनसे जाके कहिए कि 30,000 का कर दें अगर इनका खुद का है तो, लेकिन हमने किया प्राइस का डिफरेंस आप देख सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा है, प्लॉटर हम बल्क बाइंग करते हैं, पूरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हमारे पास प्राइस का बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है जो बेनिफिट हम आपको देते हैं। एंड दोस्तों अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो हमारा आपको मैंने दिखाया प्रिंट एंड कट, इसका प्राइस क्या होगा। इसका प्राइस इसी प्लॉटर के साथ बिल्कुल मैंने आपको बताया, अगर प्रिंट एंड कट में आप जाना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपको लेना पड़ेगा जो कि आपको वन टाइम में परफेक्ट कटिंग निकाल के देगा इसी प्लॉटर के साथ, सिर्फ 38,000 रुपीज़ में। आप ध्यान से सुनिएगा, 38,000 रुपीज़ में ये डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर मैं आपको दे रहा हूँ इस प्लॉटर के साथ में। यहाँ पर आप कंपेयर करके देख लीजिए मोबाइल ऐप के साथ उनका चाइनीज प्लॉटर चाइनीज सॉफ्टवेयर 55,000, हम आपको इंडियन मेड डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर जो कि ऐप से अपर वर्जन में आता है और ब्रांडेड प्लॉटर के साथ 38,000। यहाँ भी आप फायदा देख सकते हैं, फायदा आपका है। प्राइस क्यों कम है मैंने आपको बता दिया, सॉफ्टवेयर हमारा है, प्लॉटर में हम बल्क बाइंग करते हैं, पूरे ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसलिए हम आपको दोनों केस में एंड्रॉयड ऐप में भी और डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में भी प्राइस का बहुत बड़ा फायदा देते हैं। अब आते हैं इसके रिन्यूअल का। लोगों को ऐसा लगता है कि हम 5,500 रुपीज़ रिन्यूअल लेते हैं पर ईयर, और उन्होंने बताया कि हम 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि हमारी सर्विस बहुत अच्छी है और इसके लिए हम 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते हैं। मैं इनकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा, मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर हमारा है, प्राइस भी हमारा होता है, हमारी मर्जी होती है प्राइस सेट करना, हम किसी पर डिपेंड नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा जो मोबाइल ऐप मैंने आपको बताया 32,000 इस प्लॉटर के साथ, उसका रिन्यूअल सिर्फ 2,000 रुपीज़ पूरे साल का है। पहले साल आपको कुछ नहीं देना है, दूसरे साल से आपको सिर्फ 2,000 रुपीज़ आपको देना है इसके रिन्यूअल के लिए, पूरे अगले 365 दिन के लिए 365 डेज ओनली 2,000 रुपीज़। तो दोस्तों आप कैलकुलेशन यहाँ पे करके देख सकते हैं, सिर्फ 5.50 रुपीज़ पर डे का आपको मिलेगा, आप अनलिमिटेड जितनी चाहे उतनी मर्जी कटिंग करिए, 2,000 रुपीज़ साल का देना है आपको, 5.50 रुपीज़। अगर अभी भी आपको लगता है कि पर एनम पूरे साल का एक बार 2,000 रुपये देना आपके लिए बहुत महंगा पड़ता है 2,000 रुपये, तो आई एम रियली सॉरी कि इससे सस्ता आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है। आप 6,000 वाले प्लान में जा सकते हैं जिनके पास 6,000 का रिन्यूअल चलता है, या फिर आप पर कट में सोच सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि पर कट में क्या आप दिन भर में से 2 कट करेंगे 3 कट करेंगे, कितना देंगे पर कट में आप, 5.5 रुपये पर डे का आपको देना है और अनलिमिटेड कट आप करें। अब मैं आता हूँ डेस्कटॉप के रिन्यूअल में, जो मैंने आपको बताया डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। सो मैं अब आता हूँ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर विथ कैमियो प्लॉटर जो कि 38,000 रुपीज़ का मैंने आपको बताया कॉस्ट, इसका रिन्यूअल क्या है। इसका रिन्यूअल सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज़ है, 4,000 रुपीज़ पूरे साल का जो कि आपको नेक्स्ट ईयर से पे करना है। कि ये मोबाइल ऐप में जो चलाते हैं ये 6,000 रुपीज़ लेते हैं रिन्यूअल का, हम आपसे डेस्कटॉप में जो कि हायर वर्जन में आता है
इसके लिए हम आपसे सिर्फ 4000 रुपए चार्ज करते हैं। क्यों चार्ज करते हैं इतना कम? क्योंकि सॉफ्टवेयर हमारा बनाया हुआ है, कॉस्ट हमारी होगी, किसी और पे हम डिपेंड नहीं है कि हमें उन्हें भी पे करना है और हमें अपना भी प्रॉफिट देखना है। तो ये मैंने आपको प्राइस भी बताया, रिन्यूअल चार्ज भी बताया। अब आप कंपेयर कर सकते हैं किसी भी सप्लायर से, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं। और कंपैरिजन का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हमारा सॉफ्टवेयर सस्ता है क्योंकि हमारा बिकता नहीं है, हमारा माल डंप हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने रीज़न आपको बता दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि हमारी बल्क बाइंग होती है, सॉफ्टवेयर हमारा खुद का बनाया हुआ है, हमने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। सो दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, एक ही विनती होगी मेरी कि सिर्फ सच को समझें, ना कि वीडियो पे दिखाए हुए झूठ पे आप जाएं। मैंने आपको जितनी भी बातें इस वीडियो में बताई पूरी की पूरी सच है, और कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जो मेरे प्लॉटर में नहीं है। जितना मैंने आपको बताया आप आकर के लाइव यहाँ देख सकते हैं, वही चीज़ आपको मिलेगी जो मैंने आपको बताया है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसे झूठ से बचें, ऐसे सप्लायर के पास जाने से बचें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि उनकी झूठ पे एक बार और ट्रस्ट करके देखा जाए, जाएं आप उनसे मिलें, उनके प्रोडक्ट्स को देखें, उसके बाद हमारे यहाँ आएँ। आपको खुद ब खुद डिफरेंस का पता चल जाएगा कि क्या उनके यहाँ मिलता है, क्या हमारे यहाँ मिलता है। डिसीजन आपका होगा, पैसे आपके हैं, फैसला आप लीजिए, आपको किससे परचेस करना है, किससे नहीं करना है। बस हम आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई चीटिंग ना हो, आपके साथ कोई धोखा ना हो। आप एक अच्छा प्रोडक्ट लें, चाहे आप हमसे लें, चाहे आप किसी और से लें, एक अच्छा प्रोडक्ट लें, एक अच्छी बिजनेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।